जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा कि पद बढ़ना चाहिए आरआरबी टेक्नीशियन 2024। जैसा कि आप सबों को ये भी मालूम है कि एएलपी की पद बढ़ गई और टेक्नीशियन के लिए आपको बहुत सारे फेक न्यूज़ देखने को मिले, तो ऐसे में ये एक सवाल उठ जाता है कि गुरु जी जब एएलपी की पद बढ़ी है तो क्यों ना टेक्नीशियन की भी पद बढ़नी चाहिए। मेरे मित्र, ये सवाल उठना भी जायज़ है क्योंकि ऐसा नहीं है कि रेलवे के पास वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी ऑलरेडी है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, कोई न्यूज चैनल वाले नहीं कह रहे हैं, ये सर खुद के उनके मंत्री कह रहे हैं, सर उनके जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास 3 लाख समथिंग पद खाली है। तो 3 लाख समथिंग पद में तो सभी चीज होंगे, तो फिर टेक्नीशियन की जो पद है उसको क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। और आप सबों को मालूम है कि अपने देश में हर एक चीज के लिए ट्विटर कैंपेन करना होता है, खास करके अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे और उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे, तो आपको भर्ती लेने के लिए ट्विटर कैंपेन करना होता है, एग्जाम लेने के लिए ट्विटर कैंपेन करना होता है, रिजल्ट देने के लिए ट्विटर कैंपेन करना होता है, सर जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए ट्विटर कैंपेन करना होता है। तो मेरे मित्र, इस बार टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ाने के लिए भी हम सबों को एक साथ आने की जरूरत है और टेक्नीशियन का भी पद बढ़े इसके लिए भी सर एकजुटता दिखाना होगा। क्योंकि लगातार वीडियोस बनाने से, अपना ओपिनियन रख देने से सर हमारी बातें जो है वो सरकार तक नहीं पहुंचेगी। और जो आज का दौर है सर सोशल मीडिया का, इसमें सर सरकार तक आवाज पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका हम सबों के पास मौजूद है और मेरे मित्र कहीं ना कहीं उस तरीका का इस्तेमाल करना होगा। और 4 जुलाई यानी कि कल मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सर आरआरबी टेक्नीशियन की पद बढ़ाने को लेकर के आप लोग ट्वीट करें। आप कहेंगे सर जो हमारा हैशटैग है वो क्या रहने वाला है, इसमें बहुत सारे छात्र गलती करते हैं। तो मेरे मित्र, आपको गलती नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोगों का टैग रहने वाला है वो क्या है, हैशटैग इंक्रीज रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी। ध्यान दीजिएगा, इसमें सर इंक्रीज में आई हमारा कैपिटल होगा, आर हमारा कैपिटल होगा रेलवे में, टेक्नीशियन में टी हमारा कैपिटल होगा और सर जो हमारा वैकेंसी है उसमें वी कैपिटल होगा। और ध्यान में रखिएगा कि इन सभी में किसी में भी सर स्पेस नहीं देना है, ये सब के सब सर इसी तरीके से होंगे। और ना हो तो सर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यही सेम चीज सर कल हम लोगों को ट्रेंड करवाना है, तभी कुछ गुंजाइश है, तभी कुछ उम्मीद बन सकती है सर रेलवे टेक्नीशियन में पद बढ़ने को लेकर के। अदरवाइज आप सबों को मालूम है कि सरकार अभी भी सो रही है बेरोजगारी के मामले में और आगे भी सोता रहेगा, इससे सर उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो फिर से जीत के गए हैं, उनको मंत्रालय मिला है, जो सुविधा पहले थी वो सुविधा में अभी भी जी रहे हैं। लेकिन दिक्कत किसको है, परेशानियां किनके साथ है, तो सर छात्रों के साथ है। कौन है छात्र, तो आप कहेंगे सर इस छात्र को तो लोग बेरोजगार के रूप में देखते हैं। मेरे मित्र, अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो कहीं ना कहीं सर आपको एक साथ आना होगा। और जब तक सर एक मतलब आप कह सकते हो सामूहिक रूप से प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे, सामूहिक रूप से अपनी आवाज को नहीं उठाओगे, मेरे मित्र आपकी आवाज हमेशा दबाई जाएगी। क्योंकि जो समय चल रहा है सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ बोलने वाले का कह सकते हो बोलबाला है, जो सर चुप बैठे हुए हैं उसके लिए सर ये संसार नहीं है, उसके लिए ये दुनिया नहीं है। और चूंकि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें हमारे साथ टेक्नोलॉजी भी है, तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कहीं ना कहीं यहाँ पे करना होगा। और मैं चाहूंगा कि सभी छात्र जो एएलपी के भी हैं उनके लिए भी सर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। ये याद रखिएगा कि एएलपी वाले छात्र सोच रहे होंगे अच्छा हमारा तो पद बढ़ गया है, हम कुछ नहीं करेंगे। मेरे मित्र, आपके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा कि अगर टेक्नीशियन में भी पद बढ़ती है तो सर आपका जो सक्सेस रेट है वो सीधे इस तरह से ऊपर उठेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एएलपी में पद बढ़ी है, छात्रों की संख्या उतनी है, तो सर 3 गुना पद बढ़ी है तो आप क्या कहेंगे कि सर कंपटीशन का लेवल क्या होगा, मेरे मित्र क्या होगा, आप सभी समझ रहे हैं। और टेक्नीशियन में भी चूंकि फॉर्म भर चुके हैं छात्र, अगर यहां पे भी पद बढ़ती है तो मेरे मित्र जो भरे हुए छात्र हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसीलिए वैसे सभी छात्र जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले अपकमिंग वैकेंसी को भी लेकर के सर हम लोग की तरफ से अपना प्रयास जारी रहेगा। और मैं चाहूंगा कि आप भी सर एक साथ आए, एकजुटता दिखाएं और छात्र एकता हमेशा से जिंदाबाद रहा है। और कल सर आप सभी सर इस हैशटैग को सर ट्रेंड करवाएं। कितने बजे से ट्वीट करना है सर, सुबह 10 बजे से सर ट्वीट पे ट्वीट लगातार करना है। बाद बाकी इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा
कि मेरे मित्र जब तक आप एकजुटता नहीं दिखाएंगे, जब तक आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, आपकी आवाज को हमेशा दबाया जाएगा। और ये चीज आप आज से नहीं देख रहे हैं, ये आज ये नई बात नहीं है, ये आप सर बरसों से देख रहे हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सर कल के ट्विटर कैंपेन में आप सभी सर एकजुटता के साथ अपनी भागीदारी निभाएंगे। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इस चीज को लेकर के अवेयर हो पाए और कल जो है सर ट्विटर पे सर ट्वीट कर पाए। बाद बाकी अगर आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।